मॉर्निंग, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भौसर। आज मुझे एक आइडिया आया है, बहुत दिनों से आइडिया था, मैंने कुछ सब्सक्राइबर से डिस्कशन भी किया, तो आप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। राधेश्याम भौसर इस चैनल में, ये मेरा चैनल है, लेकिन आप सब उसके मेंबर हो, जितने भी सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, सब मेरी फैमिली है। तो कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट उनके पास है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, वो लोग भी हमारा चैनल देख रहे हैं। और कुछ है जो बिगिनर्स है, जिन्हें अभी लॉन्ड्री शॉप शुरू करना है, और जो जिनका लॉन्ड्री से ज़्यादा लेना देना नहीं है, हाउस वाइफ है या कोई फ्रेंड्स है जिन्हें अपने कपड़े घर पे ड्राई क्लीनिंग करने हैं, या कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, तो सबका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को, चैनल पे आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए भी। तो आज मेरे एक आपसे हेल्प चाहता हूँ मैं, जो बिगिनर्स हैं जिन्हें लॉन्ड्री शुरू करनी है, उनका बजट कम होता है, बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं, और उनको कुछ इक्विपमेंट्स लेने हैं लॉन्ड्री में। तो बहुत सारे इक्विपमेंट है, हाइड्रो है, वॉशिंग मशीन है, टम्बलर है, स्टीम आयरनिंग है, केटको की आयरन है, टेबल है, बॉयलर है, जो भी आपके पास लॉन्ड्री से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होंगे, वो कुछ बिगिनर्स को लेने हैं। अगर आपके पास कुछ आपने अपग्रेड किया है लॉन्ड्री में, आपको बहुत एक्सपीरियंस भी है, बहुत बड़ी बड़ी आपकी शॉप है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो आप फिलहाल काम में नहीं ले रहे हो या आपको बेचने हैं, और जो बिगिनर्स हैं उन्हें खरीदने हैं, तो होता क्या है, लेने वाले भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं, लेकिन वो फाइंडिंग नहीं कर पाते हैं एक दूसरे को कि मुझे ये मशीन लेना है। तो हम इस चैनल का उपयोग प्लेटफॉर्म के तौर पर भी करेंगे। अगर आपको कुछ इक्विपमेंट बेचने हैं तो आप उसकी छोटी सी क्लिप लीजिए, निकाल लीजिए छोटी सी क्लिप, वीडियो क्लिप, और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो फिर आपको बायर्स भी मिल जाएंगे, और जो बिगिनर्स है, लॉन्ड्री ओनर है, जिन्हें सेकंड इक्विपमेंट भी चल जाएंगे, तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, उनको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो आपके पास है। अभी मैंने भी मेरी जो दो केटको की आयरन थी मेरे पास, एक मेरे पास है, मेरे एक भाई के पास है, वो भी मैंने सेकंड लिया था हज़ार रुपये में। उसके बाद में मैंने वॉशिंग मशीन जो लिया है, तो वो भी मैंने सेकंड लिया है, वो 20-25 साल पुराना है, जिनकी मैं वीडियो बनाता हूँ, 20-25 साल पुराना मशीन है, और उसको मैं 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और आगे मैं यूज़ करूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती सेकंड हैंड मशीनरी यूज़ करने में। आपको बहुत कम बजट में लॉन्ड्री आपकी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप हिंदुस्तान में हो, नेपाल में हो, पाकिस्तान में हो, बहुत से सब्सक्राइबर वहाँ के भी हैं, उन्हें भी मटेरियल इक्विपमेंट्स लेने हैं, और वहाँ पे भी कुछ लॉन्ड्री ओनर्स होंगे जिन्हें इक्विपमेंट बेचने हैं, तो उनकी वो वीडियो क्लिप निकाल लीजिए और मुझे सेंड कीजिए, मैं अपने वीडियो में अपलोड करूँगा। और आपका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो मैं वीडियो में आप दिखा दूँगा, तो प्रिंट जो जिन्हें लेने होंगे वो सीधा आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और जिन्हें बेचने होंगे तो आप उनसे सामने बात कर सकेंगे, इसमें मेरा कुछ रोल नहीं होगा, सिर्फ इतना है कि हेल्प हो जाएगी, बेचने वालों की भी हेल्प हो जाएगी और लेने वाले को भी हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए यही मेरा आज का सब्जेक्ट था। तो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए कि अगर आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स हो जो बेचने लायक हो, या आपने कुछ नए लिए हैं तो फिर आपको पुराने हैं जो सेल आउट करने हैं। बहुत से लॉन्ड्री ओनर बिगिनर्स हैं जिन्हें लॉन्ड्री शॉप शुरू करनी है, उन्हें भी लेने हैं। ट्रांसपोर्टिंग का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम किसी कंपनी से नया इक्विपमेंट लेते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टिंग का खर्च जो लेने वाला होता है उनके तरफ से ही लेते हैं,
तो हम आज इंडिया में बहुत से ट्रेवल्स ट्रांसपोर्टिंग की फैसिलिटीज हैं। कहाँ पे भी रहते हो आप, आपके पास इक्विपमेंट आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे कीमत में अगर आपको मिल जाए तो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही बात थी, ये मुझे हेल्प कीजिए आप, मैं किसी की हेल्प कर लूँगा। बेचना हो इक्विपमेंट तो वीडियो भेजिए, 2 मिनट 3 मिनट 3 मिनट की वीडियो भेजिए, कितने साल का मॉडल है वो भेजिए, आप कितने तक उसे सेल आउट करना चाहते हैं, कम से कम वाजिब रेट मुझे बोलिए। फिर वो कस्टमर्स जिन्हें लेने होंगे, बिगिनर्स हैं, वो वीडियो देख के आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे, मेरा उसमें कुछ इशू नहीं होगा, कुछ रोल नहीं होगा, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आप में और बायर्स में और सेलर में। तो यही मेरी, अगर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं वेबसाइट भी शुरू करूंगा जो सेकंड मशीनरी से रिलेटेड होंगी, लेना और बेचना। तो फिर शुरुआत हम यही से यूट्यूब से ही करते हैं। बहुत से आइडियाज हैं मेरे, बहुत से आइडिया चलते रहते हैं मेरे दिमाग में, हर एक को मैं फॉलो करूंगा, अप्लाई करूंगा। तो थोड़ा वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू, और मुझे मशीनरी अगर किसी को बेचनी हो तो जरूर बोलिए, वीडियो क्लिप भेजिए, तो मैं वीडियो में अपलोड भी करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत लोगों के काम आने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। तो मैंने अभी बताया आपको कि पुराने मशीन जो लेने हैं, साड़ी रोल प्रेस का मशीन हो, साड़ी रोल प्रेस का मशीन हो, कितना भी महंगा हो या कितना भी सस्ता हो, तो आप वीडियो उनकी अपलोड कीजिए या वीडियो मेरे पास दीजिए, मैं अपलोड करूँगा चैनल पे। तो आपको बेचने में आसानी होगी, खरीदने वालों को लेने में आसानी होगी। अगर आप घर का अगर आपके पास वॉशिंग मशीन हो, वो भी आपको सेल आउट करना हो, तो वो भी लेने वाले लोग हैं, तो उनकी भी आप क्लिप भेजिए। उनका अगर ड्रायर भी चलता होगा तो भी किसी लॉन्ड्री ओनर के वो बहुत काम आने वाला है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मेरा वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर था वो मैं यूज़ करता हूँ, तो वो भी हमारे बहुत किसी काम आने वाला है। तो अगर उसकी भी अच्छी सी प्राइस आपको मिल जाएगी, लेने वाले को उसके बजट में मिल जाएगी, तो दोनों की हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो क्लिप भेजिए, मैं अपलोड करूँगा और फिर आपको बेचे भी जाएंगे आपके इक्विपमेंट्स, और खरीदने वाले के भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।